अपराधों पर अब लगाम लगाने के लिए एक नई कवायद शुरू हुई है। रायबरेली में नेशनल हाईवे 30 से गुजरने वाले अब होंगे तीसरी आंख की निगरानी में। 70 हाई फ्रिक्वेंसी के सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। जमीन से 30 फीट ऊपर से होगी राजमार्ग की निगरानी। NH-30 पर बढ़ते क्राइम को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टि से 30 फीट की ऊंचाई पर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि राजमार्ग की निगरानी की जा सके। 70 हाई फ्रिक्वेंसी के सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों से हाईवे पर लूट व डकैती व हत्या की वारदातों के साथ अतिक्रमण करने वालों के साथ अनियंत्रित तरीके से चलने वाले वाहनों पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हाईवे पर फ्रिक्वेंसी के सीसीटीवी कैमरे लगवा रही है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। बछावा नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजमार्ग एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। करीब 1 महीने में कार्य पूरा हो जाएगा। राजमार्ग पर लगने वाले सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए चुरवा बॉर्डर पर इससे टोल टैक्स के निकट एक हाईटेक मॉनिटरिंग सेंटर बनेगा। यही नहीं, 24 घंटे तक सभी कैमरों पर नजर रखी जाएगी। कैमरे में कहीं पर भी कोई घटना दिखती है तो तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी जाएगी, जिससे कि पुलिस मौके पर पहुंच जाए। इसके अलावा NHI की टीम भी अविलंब घटना स्थल पर पहुंच सकेगी, जो कई हद तक अब कारगर साबित होगा क्राइम ग्राफ को रोकने में। क्या नाम है तुम्हारा? ये जो कैमरा लगे हैं NH वाली रोड पे, क्या है? अभी ये कैमरा कल लगा हुआ है। ये 1-1 किलोमीटर के कैमरे लग रहे हैं। इनकी निगरानी और जो भी इनका पूरा डायरेक्ट सिस्टम है वो टोल प्लाजा पे बॉर्डर पे है। इसको क्यों लगाया जा रहा है? इससे 1 किलोमीटर पर लगाया जा रहा है, जिससे कुछ दुर्घटनाएँ होती हैं और जो भी गाड़ियाँ अंतिम लोग चलाते हैं उसका निगरानी किया जाएगा।